इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप दोस्तों अपने नोकिया के स्मार्टफोन दोस्तों कीबोर्ड साउंड को आप दोस्तों इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब बंद चालू कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, मैं जब अभी कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साउंड सुनाई दे रहा है। तो अगर आप इस साउंड को बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या अगर आप इसे या मान लीजिए अगर आपके फ़ोन बंद है और अगर आप इसे चालू करना चाहते हैं तो कैसे चालू करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको दोस्तों नोकिया मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड को ओपन कर लेना है कोई भी मैसेज टाइप करने के लिए। जब आप दोस्तों ओपन कर लेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी टेक्स्ट टाइप अभी नहीं करना है। तो जब आप कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं करेंगे तो यहाँ एक देखिए सेटिंग का आइकॉन जाएगा मेल, तो आपको इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसमें आपको एक प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने पर आपको यहाँ साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को बंद कर देना है। बंद कर देंगे तो देखिए कीबोर्ड साउंड बंद हो जाएगा। जैसे अब देखिए, तो आप देख सकते हैं मैं कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मान लीजिए चालू करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी कीबोर्ड को ओपन करके आपको यहाँ सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर इसमें आपको नीचे आना है और नीचे आकर और फिर आपको यहाँ दोस्तों देखिए प्रेफरेंस पर क्लिक करना है, नीचे आना है और आपको ये जो साउंड ऑन की प्रेस है आपको यहाँ पर क्लिक करके टर्न ऑन कर देना है। तो उसके बाद कीबोर्ड साउंड ऑन हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड साउंड ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप कीबोर्ड साउंड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने नोकिया के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।